तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन करने वाले हैं। एक बॉडी जो है एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इस बॉडी की डेंसिटी रो है और मीडियम की डेंसिटी सिग्मा है। ये बॉडी जब डाउनवर्ड फॉल होगी तो इसमें तीन फोर्सेस लगेंगी। एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जो कि वेट होता है, और अपवर्ड फोर्स लगेगी जो कि होता है, एक तो होता है स्टोक्स फोर्स जिसको हम विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं, और एक होता है अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगी, तब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी और उस कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेट का फॉर्मूला जान लेते हैं। वेट जो है डाउनवर्ड लग रहा है, वेट इक्वल्स टू होता है mg। ठीक है, और मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 4/3 πr³ रो इंटू जी। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो W की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमें विस्कस फोर्स निकालना होगा। तो विस्कस फोर्स इक्वल्स टू होता है 6 πe·rV, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था स्टोक्स लॉ में। ठीक है ना, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब हमें अपथ्रस्ट फोर्स निकालनी है। अपथ्रस्ट फोर्स भी बहुत आसान होता है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ मीडियम डिस्प्लेस। ठीक है, अब मीडियम का कितना वेट डिस्प्लेस होगा वो तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही मीडियम का वेट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ मीडियम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ठीक है, अब मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मीडियम डिस्प्लेस्ड इनटू रो इनटू जी। ठीक है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई यहाँ पर भी हम 4/3 πr³ क्यों ले लेते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ मीडियम डिस्प्लेस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ft इक्वल टू 4/3 πr³ सिग्मा जी। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि जब टर्मिनल वेलोसिटी के केस में अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स है हमारी ft प्लस fv और डाउनवर्ड फोर्स है वेट W। ठीक है, अब हम फटाफट से इन सब की, इन तीनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो हमें मिल जाएगा 4/3 πr³ सिग्मा जी प्लस 6 πe·rV। ठीक है, वी को हम vt लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी हो चुकी है वो टर्मिनल वेलोसिटी हो चुकी है। ठीक है, अब आपको जो दिख रहा है 4/3 πr³ सिग्मा जी, इसको आप राइट साइड में ले आइए तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद आप 4/3 πr³ राइट हैंड साइड से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद 6 और 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कुछ मिलेगा vt इक्वल्स टू 2r²/9η ρ − σ × g। ठीक है, तो यही है हमारा फाइनल आंसर जो कि है टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।